दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैंने मॉर्निंग का ऑलमोस्ट सारा काम फिनिश किया है। शिवानी को चेंज कर दिया, तोरी को टीलू का मिल्किंग कर लिया। अभी हमारे गेहूं में पानी स्टार्ट करने वाले हैं। पहले लास्ट टाइम जब पानी दिया था तो हमारा जो दूसरा खेत था वहाँ पे पानी जा रहा था। तो जो अंडरग्राउंड लाइन है उसका ढक्कन होता है वो वहाँ पे बंद करने के लिए मैं अभी जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे फिर बंद करेंगे तो वो लाइन बंद हो जाएगी और पानी सीधा इस खेत में आएगा। बाद में पानी स्टार्ट होगा यहाँ से। अभी आप देख सकते हैं हमारे यहाँ के गेहूँ बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। एंड अभी हमारे जो वर्कर्स थे, जो मनीषा और उसकी बेटी और वो सब चले गए हैं, अभी दूसरे खेत से एक वर्कर आया है। नॉर्मली मैं आती नहीं हूँ यहाँ पे, हाँ, ये ढक्कन बंद करने के लिए, क्योंकि जो हमारे वर्कर्स थे पुराने उसको पता था या रामदेव होता है, लेकिन ये आज ये नया वर्कर आया तो इसको नहीं पता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे है। और सुबह सुबह जो पानी की बूंदे लगी हुई होती है गेहूं में वो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस ढक्कन को बंद करना होता है, हमारे दूसरे खेत से आता है पानी। नॉर्मली हम बंद कर देते हैं जब ख़त्म होता है ताकि कुछ इसमें अंदर ना चला जाए, लेकिन इस बार हम बिजी थे, रामदेव का एक्सीडेंट हुआ और सब, तो भूल गए ये बंद करना। शायद हो गया परफेक्ट। अब यहाँ पे बंद कर दिया है। जब पानी स्टार्ट करेंगे तो सीधा हमारे वहाँ खेत में आएगा। यहाँ पे चाचा के धनिया है, यहाँ पास में ज्वार है। ये जीरा है यहाँ पे दूसरे चाचा का। ये कितने अच्छे बोर पड़े हुए यहाँ पे। ये अभी बच्चे चले गए यहाँ से, वरना वो खाते थे पूरा दिन। लेकिन इसके ना बेर बहुत ही खट्टे मीठे हैं। इसमें अलग अलग वेराइटीज होती है, कोई कोई ज्यादा खट्टे मीठे होते, कोई ज्यादा मीठे होते। वैसे तो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मोटर। तो अभी पानी स्टार्ट हो गया। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ कैरेट की सब्जी विद ग्रीन चिलीज, जो आजकल हम रोज़ बनाते हैं क्योंकि हमारे घर पे फ्रेश कैरेट है। यहाँ पे अभी चाय बन रही है क्योंकि लखू भाई एंड करण आए हैं। यहाँ पे राइस रखे है, यहाँ पे दाल रेडी हो गई हूँ, तो आज दाल राइस बनाएंगे। एंड अभी सब्जी बनेगी जल्दी जल्दी। एंड कहाँ है करण भाई, कहाँ पे है? यहाँ पे है, हाँ। मैं पेड़ा खा रहा हूँ। हाँ, करण भाई पेंडा खा रहा है। एंड करण एंड ओम खेलेंगे घर पे, मम्मी अभी गए हैं गांव में वॉकिंग के लिए। तो अभी यहाँ पे रेडी है कैरेट की सब्जी, यहाँ पे दाल रेडी है, राइस, और ये जो पिकल्स बनाए हैं।
बार ड्रेसिंग करने के लिए, और थोड़ी बहुत ये पट्टियाँ अभी निकल जाएगी आज, हेड में जो है उसको भी देखेंगे कुछ कुछ, जितना हो सकेगा उतना निकाल देंगे वो। अभी तबीयत बहुत ही रिकवर हो चुकी है 90%, बस थोड़ा और ध्यान रखना है, लेकिन हॉर्स राइडिंग वगैरह का कुछ दिनों के लिए ब्रेक करनी होगी, एटलीस्ट एक महीने के लिए, क्योंकि हेड में ज़्यादा वो होता है उससे। जो आँख में सूजन थी वो कम हो गई है, आँख खुल रही है, लेकिन ये पट्टी की वजह से थोड़ी सी दब रही है एक साइड। वैसे भगवान की कृपा से आँख में कोई इंजरी आई नहीं थी। एक मिनट के लिए मुझे लगा था कि निकल चुकी है पूरी बाहर, तो मैंने दूसरी आँख बंद करके देखा तो जो ऊपर से खून आ रहा था वो मुझे दिख गया, तो फिर मुझे पक्का हो गया कि ओके जब तक दिख रहा है इसका मतलब आँख वहीं पे अपनी जगह पे, वो बस आँख का थोड़ा सा ही ऊपर लगा है तो बच गई आँख वहाँ से। आईब्रो में यहाँ कट आया। अभी करण भाई आया है तो करण भाई एन ओम खेल रहे घर पे। सो अभी हम आ गए हैं, और इस बार ना अकेले लंबे लंबे आगे जा रहे हैं, लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम आया तब भी अकेले ही जा रहा हूँ। हाँ। जिस दिन लगा उसको उस रात को मैं अकेला ही, मतलब दूसरे लड़के थे लेकिन पहले मैं ही जा रहा था, दूसरे सारे लड़के डर गए थे ज्यादा, वो पीछे थे, मतलब पीछे चल रहे थे, क्योंकि डॉक्टर साहब को मैंने खुद नहीं फोन किया था। आज अभी सेकंड टाइम ड्रेसिंग के लिए आए हैं, और ये अब सब कुछ अच्छे से, बहुत सारे लोगों ने स्पीडी रिकवरी ऐसे कमेंट्स की ना, इसलिए स्पीडी रिकवरी हो रही है। ये थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें अभी वो इतना टेंशन नहीं है। शॉपिंग ज़्यादा था नहीं, बस ओम के लिए कुछ लेना होता है, क्योंकि जब ओम को घर पे छोड़ के आते तो लेना होता है। आजकल जहाँ भी जाते हैं सभी जगह पूछते हैं रामदेव भाई को कैसा, अभी यहाँ पे भी जो स्टाफ है और एक दो और लोग, सब लोग जो मिलते हैं वो पहले खबर पूछते हैं, और आप सबके आशीर्वाद, बहुत बहुत ज़्यादा आशीर्वाद, बहुत बच्चों के भी कुछ कॉमेंट थी कि हम दुआ करते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, और इन्हीं सब प्रार्थना और आशीर्वाद से ही इतने बड़े एक्सीडेंट में इतनी छोटी छोटी खरोचें आई है। सो सभी को दिल से थैंक यू, एंड बहुत जल्द आपको वापस हॉर्स राइडिंग वगैरह के वीडियो देखने को मिलेंगे।
बहुत जल्द नहीं, मैं बोल रही हूँ बहुत जल्द नहीं, थोड़े टाइम के, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उसको बहुत जल्दी बोल सकते हैं। एंड ये यहाँ पे ना आज आँख के ऊपर से जब एक्सीडेंट हुआ होता है तो उसमें जो भी डेड सेल्स होते हैं तो वो खून के साथ थोड़ा सा ज्यादा निकला, तो फिर हमने बोला था कि मुझे थोड़ा सा लाइट फील हो रहा है, पस निकले थे ज्यादा, पल्स नहीं पस होते, पस जो भी जो ब्लड निकलता है, जो गंदा होता है ब्लड वो निकल रहा है अंदर का, जो स्किन कटी है डेड टिश्यू जो इसको बोलते हैं, अंदर के जो चमड़ी होती है वो निकल जाती है बाहर, तो इसीलिए डॉक्टर साहब ने आज बोला है कि परसों वापस आना पड़ेगा ये क्लीन करवाने के लिए, ताकि इसको वापस आएंगे और हीलिंग बहुत ही अच्छे से हो रहा है ऐसा बोला उन्होंने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्दी वाला दूध को आज से कोकोनट वाटर भी स्टार्ट करने, लखू भाई को बोला था, लखू भाई लेके आए घर से, हमारे वहाँ है लेकिन हमारा कोकोनट ट्री ना बहुत ऊपर है तो वहाँ पे अभी कोई लेने नहीं जा सकता। और एक और बात की मैं लाइट नहीं ले रहा था एक्सीडेंट को, मुझे पता ही था कि मुझे लगा है, लेकिन दिमाग से और दिल से हिम्मत रखनी बहुत ही जरूरी है किसी भी कोई भी सिचुएशन हो, खास करके ये लगने वाली या कोई एक्सीडेंट हो, किसी और को लगाओ या हमें, पहले तो किसी को लगा है उनको जाके ये नहीं बोलना चाहिए कि आपको बहुत लग गई है, क्योंकि उससे मैं तो नहीं डरता इतनी जल्दी, लेकिन अगर सामने वाले को ये लगेगा कि बहुत लग गई है तो फिर वो बेहोश हो जाता है, और बेहोश होने के बाद इंजरी ज़्यादा हावी हो जाती है हमारे बॉडी पे, अगर हम दिमाग से स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो इंजरी इतना बॉडी पे हावी नहीं हो सकती। और ख़ास करके मैं ड्रिंक विंक नहीं करता हूँ, तो ड्रिंक नहीं किया था, मैं ड्रिंक करता नहीं हूँ, सभी व्यूअर्स को बता दूँ, कभी भी नहीं किया है लाइफ में, और जो करते हैं उनको भी बोलता हूँ कि ना करें तो अच्छी बात है, बाकी तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सो बस यही था। बस अभी निकल रहे अभी लखू भाई को कि मेरा पकड़ा है। हाय, यहाँ पे क्यों खड़े हो, पता चल गया था तुमको गाड़ी आ रही है क्या, पता चल गया था? हाँ चलो, क्या चल रहा है, अभी हम आ गए हॉस्पिटल से वापस, एंड ओम खा रहा है कुछ, है ना? हाँ। रामदीन अभी की दवाई पी ली है, लखू भाई यहाँ पे रेस्ट में है, करण से नॉम खेल रहे होंगे शायद, खेल रहे थे तुम दोनों? अभी अभी ही हम गए थे, तब तब मैंने देख लिया। क्या देख लिया, कि गाड़ी आ रही है से? हाँ। ओके। करण के पास से मैंने लिया कि मैं निकाल देती हूँ तुमको नहीं पता चलेगा, फिर लखू भाई ने मेरे पास से ले लिया कि तुमको नहीं पता चलेगा मैं कर देता हूँ। आ है तो वाला बहु को वाला मोटा नहीं बाबा कोला जीण का है तिलक पगा मत नहीं कर दे है नहीं कोकोनट वाटर अच्छा है रिकवरी के लिए और सारे और कोल्ड ड्रिंक्स सारे और कोल्ड ड्रिंक्स से अच्छा है कोकोनट वाटर। हाँ कोका कोला पेप्सी थम्स अप से अच्छा है। सो सुबह ही मैंने पिया। अच्छा गुड भाई, जग लेता है करण, बे त्रण थी आतो पी ताजा ताजा कोकोनट वाटर। You want to drink? Coconut water for Bapo, and you can try as well. Shivani, kya tumko coconut water peena? Haan, isko lag raha hai ki kuch kha rahe hai sab log, to mujhe milega, ruko milega to. इसको कुछ भी चलता है, सफरजन हो, आई मीन इसको चीकू एप्पल ड्रैगन फ्रूट आइसक्रीम है ना। शिवम अकेला जा रहा है परमिशन लेके मेरी और मम्मी की करण भाई के साथ है ना खेल, लखू भाई करण भाई जा रहे हैं बनके रहना है ठीक है, वहां पे बैड बॉय होगा तो बैड बॉय होगे तो फिर कोई सजा नहीं होती तो फिर मुझे वहाँ पे रहना ही पड़ेगा। Just kidding. Okay, जाओ. Slowly, huh? Bye, Om. Bye. Good night. Good night. Not good night. You're coming, baby. You're not staying there. Bye. Bye. Be good boy, okay? Ciao. Good morning. Ciao. Bye. 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 Bye, Karan. Bye, Lakhu. Bye. Bye.
वहाँ पे अभी रामो कुछ आई थिंक ज्वार में पानी चल रहा है, रामो का ध्यान नहीं है अभी। ये रामो की ज्वार है वहाँ पे, और जो पीछे वाइट वाइट दिख रहा है वो धनिया के ऊपर जो वाइट फ्लावर्स होते हैं वो भी दिख रहे हैं, इसलिए रामो का पूरा खेत जैसे वाइट ज़्यादा दिख रहा है। एंड वहाँ से ये सारे हैं हमारे गेहूँ जो बहुत बड़े हो चुके हैं। अभी गेहूँ में आज ही हमने पानी स्टार्ट किया है। तो आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा होता है इवनिंग का। नीचे चाचा का खेत है वो भी पूरा आपको वाइट लगेगा क्योंकि सारी जगह में वाइट फ्लावर दिख रहे हैं। और पास में चाचा का खेत है वहाँ पे भी वैसा ही है। वहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं वो है, आजकल मैं चुपके से अकेली खाना डाल के आती हूँ क्योंकि ओम आता है तो फिर मुझे एक घंटा वहाँ पे रुकना पड़ता है क्योंकि ओम को बच्चों के साथ खेलना होता है, तो इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ वहाँ पे। वैसे बच्चे अभी बड़े हो रहे तो अभी सारे एनिमल्स को खाना डाल दिया है इवनिंग का। ऑलमोस्ट जो एनिमल का काम होता है वो ख़त्म हो गया है, अभी कुकिंग का और वो सब होगा। इन्हें आज ओम के बिना अच्छा नहीं लगता, लग रहा है सुना सुना लगता है। तो आई थिंक लखू भाई लेटर ऑन आएंगे इवनिंग को, ओम को छोड़ के जाएंगे। अभी तो रामदेव ने फ़ोन किया था तो बोल रहा था कि अभी मैं खेल रहा हूँ, लखू भाई को कुछ खेत में वो कर रहे थे करण के साथ। सो इसी के साथ ये वीडियो करते हैं यहाँ पे ख़त्म। अभी मीटिंग हाफ हुआ है, हाफ बाकी है। रामदेव अभी अंदर रेस्ट करे क्योंकि लास्ट 2-3 दिन से ठंड थोड़ी सी ज़्यादा है। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। एंड अब रामदेव की हेल्थ बहुत अच्छी है, जल्दी थोड़े ही दिन में ठीक हो जाएगा, बैक टू नॉर्मल। एंड प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को ताकि हमारे जल्दी से 8 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाए। सो थैंक यू, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।